हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो मीटर कंसोल दिखाने वाला हूँ वो R15 Version 3 की है और ये BS6 मॉडल है, 2020 एडिशन, डार्क नाइट एडिशन है। और आप देख सकते हैं इसका मीटर कंसोल, पहले आप देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट है, यहाँ पे इंजन हीट की लाइट है और यहाँ पे इंजन चेक्स की। अगर इंजन में कोई इश्यूज आता है और कोई सेंसर में प्रॉब्लम आता है तो ये लाइट ब्लिंक करेगा। अगर इंजन अगर आपका गाड़ी ओवर हीट होता है तो ये लाइट जलेगा। और राइट साइड पर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे हाई बीम की इंडिकेटर है और यहाँ पे ABS की इंडिकेटर है। चलिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये ऑन हो गया है। अब इसमें देखेंगे क्या क्या इसमें नया फीचर्स है। और पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ABS की जो ब्रांडिंग है ये ऑन हो चुका है। ये गाड़ी डुअल चैनल ABS के साथ आता है और गाड़ी न्यूट्रल पे खड़ी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडोमीटर दिखा रहा है। इसके साथ साथ क्या क्या है इसमें आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए ऑडोमीटर है, ये गाड़ी नई है, 67 किलोमीटर रन हुई है इस गाड़ी में, बिल्कुल नई गाड़ी है। इसके बाद आपको ट्रिप वन मिलता है, ये भी दिखा रहा है। इसके साथ आपको ट्रिप टू मिलता है और इसके बाद आपको इसमें टाइम मिलता है, ये देखिए रियल टाइम 12:58 हुआ है अभी। इसके बाद आपको लीटर पर 1000 किलोमीटर, ये आपको 1000 किलोमीटर 100 किलोमीटर सॉरी 100 किलोमीटर में आपको कितने लीटर फ्यूल इसमें खाता है वो आपको इसमें दिखाएगा। अभी 100 किलोमीटर्स नहीं हुआ है इसमें। उसके बाद आपको दिखेगा एवरेज लीटर पर 100 किलोमीटर, ये रियल टाइम माइलेज नहीं है, ये 100 किलोमीटर पर कितना फ्यूल इस गाड़ी पीता है वो अभी दिखाएगा। और इसको आप चेंज कर सकते हैं एक्चुअल पे। इसके लिए आपको सिलेक्ट बटन कुछ देर के लिए प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये सिलेक्ट बटन है, अभी आपको दिखाएगा एवरेज, इसमें एवरेज कितनी देती है, एवरेज किलोमीटर पर लीटर। ये गाड़ी अभी माइलेज दे रही है 46.9, आप 47 किलोमीटर पर लीटर ये गाड़ी अभी इसमें माइलेज दे रही है। इसके बाद आपको क्या दिखेगा, इसके बाद आपको दिखेगा एवरेज स्पीड, ये होता है एवरेज स्पीड इसमें अभी 30 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है। इसके बाद आपको क्या दिखेगा, इसके बाद आपको फिर से वही ऑडोमीटर और ये गियर इंडिकेटर है, इसमें यहाँ पे VG है और इसमें यहाँ पे हाई आरपीएम की लिमिट की लाइट यहाँ पे दिखाई है। अब इसको आपको डिटेल्स में देख लीजिए। ये देखिए VG यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे हाई आरपीएम की लाइट भी दिख रहा है। अब इसमें कुछ हिडन फीचर्स भी है वो आपको दिखाएंगे अभी। सबसे पहले आप सिलेक्ट बटन को प्रेस करके रखिए और सिलेक्ट बटन को प्रेस करके रखने के बाद आपको जो करना है वो है की को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए। उसके बाद आपको बाइक की ऑन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं ऑन कर दिया, इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखा हूँ मैंने। अभी ये जो आ चुका है ये इसकी ब्राइटनेस पे है, इसकी डिस्प्ले की जो पैनल है इसकी जो ब्राइटनेस है ये आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको रीसेट बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है, अभी और बढ़ रही है और ये सबसे कम है, मैं इसको 4 पे रखता हूँ। उसके बाद इसके अगले सेटिंग्स के जाने के लिए आपको सिलेक्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा और होल्ड करना पड़ेगा। इसके बाद आता है हाई आरपीएम की जो लाइट होती है यहाँ पे, इसका 3 मोड्स आते हैं अलग से, इसके मोड्स भी आप चेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट ब्लिंकिंग मोड पे है। इसके बाद आपको रिसेट बटन प्रेस करना पड़ेगा, ये स्लो ब्लिंकिंग मोड पे आ गया। इसके बाद आपको रिसेट बटन प्रेस करना पड़ेगा, ये स्टेबल हो गया। तो आपके हिसाब से कर सकते हैं, मैं इसको हाई ब्लिंकिंग मोड पे रखता हूँ। और उसके बाद अगले सेटिंग्स के जाने के लिए आपको सिलेक्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये आता है, ये जो आता है ये RPM की जो लाइट है, हाई RPM की, ये स्टार्टिंग के लिए होता है। अभी इसको मैं 9000 RPM पे सेट कर चुका हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग 9000 से शुरू होता है। इसके लिए आपको रिसेट बटन प्रेस करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको अभी 10 पे सेलेक्ट करता हूँ
और इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। इसके लिए सिलेक्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा। अभी ये मैक्सिमम आ चुका है 13,000 RPM पे। आप इसको कम भी कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 13,000 RPM पे चल सकता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, इसके लिए सिलेक्ट प्रेस करना पड़ेगा। ये आ चुका है। ये जो ब्राइटनेस दिख रहा है ये एक्चुअली इस लाइट का है, और इसके लिए आपको रिसेट बटन प्रेस करना पड़ेगा। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। देखिए ये बढ़ चुका है और ये सबसे लो है। मैं 3 पेस को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद देखते हैं ये मीटर ऑन हो चुका है। आप इसके और भी फीचर्स है वो देखते रहिए। अभी अब मैं रिसेट बटन प्रेस करूंगा और इसको ऑन करूंगा। यस, आप इसके आपके नाम जो है वो भी इसके टाइप कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिसेट बटन प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस एंड होल्ड करके की को ऑन करना पड़ेगा। और अभी देखिए यहाँ पे एक मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कैसे चेंज करूँगा। सिलेक्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं अभी और ऐसे इसको आपके तरफ से खुद के जो हिसाब से आपका जो नाम है वो आप कुछ भी मैसेज, पर्सनल मैसेज आप इस पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस पर ही छोड़ने वाला हूँ, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ। और इसके बाद ये जो इंडिकेट कर रहा है इसको चेंज करने के लिए आपको सिलेक्ट बटन थोड़ी देर प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद अब ये नेक्स्ट वर्ड पे आएगा। ऐसे आप एक एक करके सबको चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट इग्निशन की ऑफ कर देनी पड़ेगा। अगर आपका जो वर्ड है वो सब फाइनल हो चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके एक एक करके सबको आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको फाइनल करने के लिए ये बटन एक और बार ये हो चुका है आपका फाइनल, और ये ऐसे दिखेगा। ऐसे आपको जो पर्सनल मैसेज है एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने टाइप किया वो आता है कि नहीं। ये देखिए जो भी आप लिखेंगे वो पहले आपको दिखेगा। यही है R15 version 3 की BS6 मॉडल की मीटर कंसोल की हिडन फीचर्स। और आप इस पर बहुत कुछ लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज फुल कंजप्शन, एवरेज ट्रिप 1 ट्रिप 2। और इसके बाद आपको ABS के इंडिकेटर मिलेगा, आपको हाई बीम के इंडिकेटर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी ऑन कर लेते हैं तो ये देखिए हाई बीम के इंडिकेटर है। यहाँ पे यहाँ पे इंडिकेटर की आप देख सकते हैं इंडिकेटर हमारे चल रहे हैं। यहाँ पे GR के भी इंडिकेटर मिलेगा, आपको GVA मिलेगा। इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अगर आपको वीडियो पसंद हुई तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़रूर से शेयर करिए। थैंक यू।